हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आप सबको अपने एलिट कडोरिया चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम थोड़ा सिविल से रिलेटेड देखेंगे। ये हमारा तो चैनल इलेक्ट्रिकल का है, पर ये सिविल का देसी जुगाड़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सही है, क्योंकि ये जो है, अगर आपके कोई भी टैंक में वाटर टैंक है अगर लीकेज कर रहा है, तो इसके लिए ये देसी जुगाड़ बहुत ही अच्छा है। आपको ये बिल्कुल यूज करना चाहिए। मैं अपने सिविल के दोस्त है जो सिविल इंजीनियर है, उन्होंने ये देसी जुगाड़ कई जगह यूज कर चुका है। मुझे मेरे साइट पे भी एक बहुत ही वाटर लीकेज का प्रॉब्लम था, और उसको ठीक करने के लिए एक थोड़ा सा ट्रायल किए थे यूज करके, वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। अब पूरे टैंक में इसको यूज करने वाले हैं और इसको देखेंगे कि पूरे लीकेज कैसे बंद हो रहा है। उस लीकेज से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, और सारे जितने भी वाटर प्रूफिंग के लिए आता है केमिकल, सब कुछ यूज कर चुके थे पर ठीक नहीं हुआ था, पर इस देसी जुगाड़ से ठीक हो गया है। तो वही आपको अभी दिखाने वाले हैं, और इसको जो अभी आप देख रहे हैं, ये पेट्रोल है, और पेट्रोल में थर्माकोल को हम लोग घुला रहे हैं। देख रहे हैं कि पेट्रोल में थर्माकोल जैसे ही डाल रहे हैं, ऑटोमेटिक वो जो हो रहा है घुल जा रहा है, और ऑटोमेटिक घुलने के बाद इसको खूब अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना मिक्स करने के बाद से, ठीक है। उसके बाद से हम लोग जहाँ पे लगाना है, यूज कर रहे हैं, वहाँ पे जाके यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग कैसे ये गल रहा है, आप थर्माकोल को देख रहे होंगे, पूरे गल जा रहा है। सिर्फ आप दबा के रखेंगे ऑटोमेटिक गल जाएगा, लेकिन नया में पेट्रोल जैसे फर्स्ट टाइम में डालेंगे, ये थर्माकोल तो ऑटोमेटिक ही गलते रह जाएगा। पर अभी क्या है, ये थर्माकोल थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए थोड़ा इसको गलाना पड़ा। तो आपको जितने रिक्वायरमेंट हो उतना आप थर्माकोल को गला लीजिए और अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद से चलते हैं अब हम लोग लगाने के लिए, जहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो हमें जिस टैंक में यूज करना है, मैं वहाँ पे लेके आ गया हूँ, उसको ब्रश से भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और ब्रश से मिक्स करने के बाद से जहाँ पे हमें लगाना है, जिस कॉर्नर पे, मैं जहाँ से भी लीकेज हो वहाँ पे पेंट के जैसे इसको लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे लगाता हूँ, ऐसे ही, जो मतलब ज़्यादातर लीकेज हमारा जो है यहीं से लीकेज हो रहा है, मतलब सच्चा जो टैंक के चारों साइड में ऐसा ही लीकेज हो रहा है, तो इसलिए हम पूरे अच्छे तरह से पेंट मार लेंगे सभी साइडों, ठीक है। जितना भी साइड है कॉर्नर पे पूरे पेंट मार लेंगे, और पेंट मारने के बाद से देखेंगे, और इसको देखेंगे ये क्या होता है, कांच की तरह लेयर बना लेता है, ठीक। जैसे पेंट मारेंगे ना, कांच की तरह लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से लीकेज होने की चांसेस कम हो जाती है। अब जैसे देख रहे होंगे कैसा इसका कलर आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही पूरा कलर आएगा जितना मार लेंगे। तो चलिए आप पहले सबसे पूरे पेंट मार लेते हैं। पूरे पेंट हो जाने के बाद से लगभग इसको 5-6 घंटा सूखने देंगे, जो भी हम लोग ये वाटर प्रूफिंग का मार रहे हैं, तो पूरे पेंट मार लेंगे और 5-6 घंटे के लिए सूखने के लिए देंगे। वो अच्छे तरह से सूख जाएगा, और पूरे सूखने के बाद से हम लोग इसमें पानी भरेंगे, और पानी भरने के बाद से इसका लीकेज हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि लीकेज है या नहीं है, और प्रॉपर इसको देखेंगे कांच की तरफ हो जाएगा। तो तब तक चलिए वेट करते हैं। तो पानी भरने के भी बाद आप देख रहे हैं कि इधर आपको लीकेज नहीं दिख रहा है, इस टैंक में ही लीकेज था, जो पहले का आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा लीकेज जो हुआ होगा उसका, ठीक है। अभी तो बिल्कुल लीकेज नहीं आ रहा है, फिर अभी तो लगभग देखते हैं कि पूरे साइड में इस टैंक को कि कहीं लीकेज है या नहीं है। अभी तो कहीं लीकेज दिख नहीं रहा है इस साइड में, ठीक है। उसके बाद से दूसरे साइड में देखेंगे, ऊपर तक भी थोड़ा देखेंगे कि ऊपर में भी कोई लीकेज आ रहा है या नहीं लीकेज आ रहा है, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी लीकेज थोड़ा सा भी बिल्कुल नहीं आ रहा है लीकेज, ठीक, यानी कि हमारा टैंक सक्सेसफुल हो गया है, जैसे आप देख रहे हैं। फिर साइड व्यू में देखेंगे, इधर भी कोई लीकेज नहीं है, ठीक, और इसके आगे भी एक है दूसरे साइड के रिवाल, उधर भी देखेंगे, क्योंकि ये सारे साइड में पहले लीकेज था। हम लोगों ने पूरे जो भी केमिकल आता है एशियन का, वाटर प्रूफिंग का, डॉक्टर फिक्सिट का, सब यूज किए थे, पर इसमें कोई लीकेज आ नहीं रहा था। तो इस बार ने ये हम लोग ट्राई किए, जो हमारे सिविल के दोस्त हैं उनको स्पेशल इसके लिए इनवाइट किया गया, तो उन्होंने आया और ये बताया और ये करके चेक किए, तो जो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो चलिए अब इसको ऊपर से हम देखेंगे पानी जो भरे हुए हैं वो लेवल क्या है, पानी का लेवल, तो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा वाटर लेवल जो है काफ़ी भरा हुआ है पानी, फिर भी ये लीकेज नहीं है। जैसे मैं ये देसी जुगाड़ है जो वर्क कर गया है,
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ ना कुछ सीखे होंगे। आपको कोई भी लीकेज हो आप इस मेथड को ट्राई करिए, आपका लीकेज बिल्कुल बंद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए रहिएगा तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि बेल आइकन जो भी अब मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।